तो दोस्तों आज का ये हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा व्लॉगिंग से हटके है। हमने आपको जैसे को पता है कि साथ इन्फॉर्मेशन का भी सिस्टम शुरू किया हुआ है, तो आज की जो हमारी इन्फॉर्मेशन का जो टॉपिक है, ठीक है, हमारी वीडियो का वो ये है कि जैसे ये है हमारे लव बर्ड्स हैं, ठीक है, इसमें सब म्यूटेशन जैसे आपको पता है। इसमें जी आज का हमारा टॉपिक है कि मेल और फीमेल का डिफरेंस क्या है, ठीक है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ये कोई पीस है वो मेल है या फीमेल, ठीक है। तो वैसे तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको वीडियो भी ऊपर पिक्चर आ रही होगी कि इनकी टेल जो होती है, ठीक है, उसे अगर हम टच करें टेल से थोड़ा सा ऊपर, तो अगर हमें गैप महसूस होता है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो फीमेल है। और अगर हमें दो हड्डियां होती हैं उसके अंदर गैप महसूस नहीं होता, इसका मतलब है दोस्तों कि वो मेल है, ठीक है। तो आए जी आपको ऐसे करते हैं कि इसे पकड़ के प्रैक्टिकल, तो फिर आपको प्रैक्टिकल तौर पे बताते हैं, ठीक है जी। तो आए जी इन्हें पकड़ते हैं, ले जी ये हमारे पास आ गया जी ऑफलाइन का, ठीक है, ब्लू ऑफलाइन का। तो आइए जी आपको इसका देख के चेक करके बताते हैं। तो दोस्तों वैसे तो आपको मैंने आपको बताता हूँ कि इसके दो से तीन तरीके हैं, लेकिन अभी फर्स्ट जो है हम पहले तरीके की बात करेंगे, और इसी वीडियो में दोस्तों मैं आपको बाकी भी तरीके बताऊंगा कि क्या क्या निशानियां हैं, ठीक है। और आए जी दोस्तों ये देखें जी, ये है जी हमारे ब्लू ऑफलाइन की, ठीक है जी, ये है फीमेल, ठीक है। अब फीमेल का जी मैं आपको बताता हूँ, ये देखे सबसे पहले तो ये देखे ना, इस टाइम ये डरी हुई है थोड़ी सी, तो इसने ये क्लोज की हुई है, लेकिन ज्यादा होता है कि ये ना थोड़ी सी ऐसे खोल के रखती है अपनी, ये इस तरह, ये देखे ये ब्रीक आ रही है इसके साइडों पे जो है, ये है इनका, ये खोल के रखते हैं थोड़े से पर। तो ये है जी फीमेल। सेकंड इसका जो है जी दोस्तों वो ये है कि अगर हम ये जो सेंटर वाले यहाँ पे हम टेल के इस जगह पे हाथ लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे मूव करते हैं उसे फिंगर को, ये देखें ये मेरी फिंगर थोड़ी सी मूव हो रही है, ठीक है, तो हमें महसूस होगा कि ये दो ज्वाइंट्स हैं, दो ज्वाइंट्स के स्पेस है दरमियान में, अगर स्पेस होगी तो फिर ये दोस्तों है फीमेल, ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर ये होगा मेल। तो इस टाइम जी इसके है स्पेस, ठीक है, हम ऐसे यहाँ पे हम टच करके महसूस कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो दोस्तों ये है जी फीमेल, ठीक है जी। तो दूसरी आपको जी और भी पहचान बताते हैं इसका, मेल भी पकड़ के दिखाते हैं और डन इन्हें अकेले जो केज में छोड़ेंगे, और फिर भी आपको बताएंगे कि और क्या क्या इसकी निशानियां। दो निशानियां अभी तक आपको बताई हैं, एक ये इनका ये जो फीदर जो है ये टेल से हटके जो है ये भी साइडों पे आपको वाजिया होते हैं, ठीक है। दूसरी आपको बताया कि ये जो बोन का, ठीक है, तो आए जी इसे पहले छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं इधर। तो आए जी अब आपको मेल पकड़ के तो फिर दिखाते हैं, ठीक है जी, इसी का। तो दोस्तों ये जी हमने इसका मेल भी पकड़ लिया। तो अब अगर ये देखें आप, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, ये देखें इसके बिल्कुल ऐसे आ रही है, ठीक है जी, उसकी जैसे फैली हुई थी इसकी फैल नहीं रही, ये देखें बिल्कुल, ये देखें ऐसे, ठीक है जी, बिल्कुल आपका ये कह लेंगे वी बन रहा है, ये एक्यूरेट वी बन रहा है, ये है जी इसकी फर्स्ट निशानी। और सेकंड निशानी अगर हम जी इसकी भी यहाँ पे हम थोड़ा सा लगा के दबा के देखते हैं, तो बोन्स जो है उसकी ऐसे इसकी जुड़ी होती हैं, साथ जुड़ी हुई हैं बोन्स, ठीक है जी। तो ये जी दो आपको निशानियां अभी तक बताई, तो आए जी आपको इसे इधर रिलीज करके तो फिर आपको तीसरी निशानी भी बताते हैं, चलिए। और दोस्तों इसकी जो लास्ट निशानी है कि जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये एक अभी अपने जो जाली के साथ लटका हुआ, लेकिन इसकी जो है क्या नाम है टेल, वो अभी भी देखें वी शेप में है, ठीक है, फैल नहीं रही, ठीक है जी। तो अगर ये जब ये इसके साथ लटकता तो इसकी जो फैल जाती ना दोस्तों, अगर फैल जाती इसकी टेल, ठीक है, तो ये फीमेल थी, और दोस्तों लेकिन ये अभी इसकी बिल्कुल वी शेप में है, तो ये 100% दोस्तों मेल है, ठीक है जी। तो दोस्तों इसी तरह ये जो बाकी म्यूटेशंस हैं, सब म्यूटेशन का सेम ही इनका प्रोसेस होता है, लेकिन आपको एक और बात बताता हूँ कि ये जो तरीके जितने भी हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे और भी मौजूद है, लेकिन ये दोस्तों 100% आप इससे ये आप कह लें कि 80% आप लगा सकते हैं अंदाजा, ठीक है, लेकिन 20% आपका गलत भी हो सकता है, वो जितना मर्जी भी अगर कोई आपको कह दे कि ये 100 है, तो इसका जो 100% अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपका डीएनए है, ठीक है, आपको
ब्रादराना मशवरा दूंगा, ठीक है, कि ये है कि आप लगा के एक बार अपने रख लें कि यार नहीं ये बाउंड क्यों नहीं ब्रीड कर रहा, क्यों नहीं ब्रीड कर रहा, जो उसका 100% आपको फिर करवाना पड़ेगा डीएनए, ठीक है जी, क्योंकि वो ही 100% जो है वो ऑथेंटिक होता है। लेकिन दोस्तों ये जो है इन तरीकों से भी बहुत ज्यादा जैसे ये सस्ती ब्रीड्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे कॉमन फिशरी हो गई, अब ये वैसे ही सस्ता है ब्रीड, ठीक है, अब इसका डीएनए करवाना तो जाहिर है एक्सपेंसिव होगा, तो इस वजह से दोस्तों इनका ये जो आपको तरीके बताए हैं इन्हीं से आपको अंदाजा लगा के तो ब्रीड करवाने पड़ेगी, ठीक है जी। और ठीक है जी दोस्तों, बहुत शुक्रिया, उम्मीद है जी आपको आज की वीडियो काफी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो जी ऐसे ही हमारे साथ हंसते रहे खेलते रहे और मुस्कुराते रहे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।